अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल हर किसी के जहन में है। लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान 6 चरणों में हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 19 मई को होगा और उसके बाद 23 मई को पता चलेगा कि देश में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। आपको बता दें कि इन 6 चरणों के चुनाव जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी के कार्यकर्ता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर बात हरियाणा की करें तो बीती 12 मई यहां पर मतदान हुआ, जिसके बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन कर कमबैक करेगी। हरियाणा में कौन सी पार्टी जीतेगी और किस पार्टी का दिवाला निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में लोकसभा चुनावों के परिणाम आने से पहले चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब, जिनसे हम जानेंगे कि अब की बार कौन बाजी मारेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे यही कि हरियाणा में मतदान हो चुका है, अब आप चुनाव प्रचार की थकान मिटा रहे हैं, क्या फिर चिंता है कि परिणाम में क्या होगा? देखो, असल में हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतने बेहतरीन काम किए हैं और इतनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है कि पूरी हरियाणा की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से सभी वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें हरियाणा में अपनी सीटों को जीतने में कोई चिंता नहीं है। हम 10 की 10 सीटें बहुत अच्छे ढंग से आसानी से हम जीत रहे हैं, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता को 1% भी कोई चिंता नहीं है और देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिनकी लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है और पूरे देश में चारों बगल सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाह रहा है और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से सभी वर्ग खुश हैं। हमको 1% भी कोई चिंता नहीं है, हम अच्छी हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 सीट जीत हासिल कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर हम 350 के पार अपने बहुमत, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम वापस दोबारा इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ये वाक्या, ये सब बातें आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा और जो बीजेपी का कार्यकर्ता उनके घरों में तो जश्न मन रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। अभी हमें 19 तारीख के चुनाव हमारे ये बाकी हैं, इसमें भी हमें, हमारी चंडीगढ़ है, हिमाचल है, पंजाब है, यहाँ भी हम अच्छे तरीक़ा से, हम कांग्रेस से यहाँ भी हम आगे काफ़ी बढ़त में हम रहेंगे। चौधरी साहब, जिस तरह से 2014 में मोदी लहर जारी थी, इस बार मोदी लहर थोड़ी कम दिखी, तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप कि इस बार भी बीजेपी का जादू चलेगा या फिर नहीं? देखिए, ये लोगों का अलग अलग अपना नज़रिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर इस बार 2014 से भी ज़्यादा है और हिंदुस्तान का हर बुद्धिजीवी इंसान, हर वर्ग के लोग, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मुलाजिम हो, मतलब सभी ये चाहते हैं कि अगर देश सुरक्षित है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और वो अभी जब हमारे 42 जवान जब पुलवामा के जो वहाँ शहीद हुए थे, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने तुरंत उनका बदला लिया, 40 की जगह 400 को वहाँ मार के गिराया और हमारे जो कैप्टन साहब जो वहाँ अंदर जो चले गए थे, ये नरेंद्र मोदी जी की वो है कि जो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने कैप्टन को सुरक्षित वापस, अपने देश को वापस, जो जिंदा सकुशल उनके परिवार को ला के सौंप दिया। तो ऐसे महान नेता को भला कौन खोना चाहेगा जी। तो देश में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल बम्फर
जीत हासिल कर रहे हैं और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी जबरदस्त तरीके से 10 की 10 सीटों को वापस ले रहे हैं और हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बेटा वो दोनों हार रहे हैं और वो यहाँ अपनी साख भी नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला अपने जींद उपचुनाव में अपनी MLA की सीट नहीं बचा पाए, उसी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा वो दोनों सीटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हार रहे हैं, वो वहाँ भी वो अपनी साख को नहीं बचा पाएंगे। चौधरी साहब, इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि BJP जो है हार जाएगी, BJP को हार का सामना करना पड़ेगा, क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस अपने इस कॉन्फिडेंस पे कायम रहेगी? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि BJP का हारने का सवाल ही नहीं है। BJP के साथ देश की जनता है, देश की जनता का प्यार है, देश की जनता BJP को चाह रही है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है।